अब मैं गुजारिश करूंगा, मुजफ्फरनगर से आए हुए हमारे ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोल का जो काम देखते हैं पूरे मुजफ्फरनगर और वेस्टर्न यूपी में, सैयद फसी हैदर साहब से कि दो मिनट में अपनी बात रखें। सदर मोहतरम व दिगर तमाम ही अफराद की खिदमत आलिया में सलाम अर्ज करता हूँ, और मुझे ज़्यादा बात न कह के सिर्फ एक बात ये कहनी है कि शिया पसंदला बोट पिछले इनकलाब को ज़िंदा कर रहा है। पूरी दुनिया ने, इनकलाब ईरान ने पूरी दुनिया को बताया कि शिया यूनिटी क्या है, और ख़तीब अकबर की बुनियाद ने पूरे हिंदुस्तान के हर फ़िका और हर समुदाय को बताया कि शिया क्या है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बाद इनकलाब ऐसा दिखाई देने लगा था कि शायद उसे लोग भूलने लगे थे, लेकिन आज हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट, लॉ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राज्य कोर्ट, जहाँ जहाँ भी आप जाए पूरी दुनिया में आज हमारी पहचान है। लिहाजा हम दोनों इनकलाब देने वालों के लिए दुआ गो है कि परवरदिगारा उस इनकलाब पे हम सबको कायम व दायम रखे और अपनी बात पहुँचाने की हमें ताकत व कुव्वत देता रहे। बड़ी अजीब बात है, 1437 बरस के बाद भी शेरवानी साहब तशरीफ़ फरमाए, यहाँ कोई ऐसा स्पीकर आपके बाद आया है शेरवानी साहब जिसने आपका जिक्र ना किया हो? सब ने किया, कोई ऐसा स्पीकर नहीं आया स्टेज पे जिसने आपका जिक्र ना किया हो। सिर्फ इसलिए जिक्र किया कि आपने हक बात कही, यानी 1437 बरस के बाद इससे बड़ा पैगाम और हम क्या दे सकते हैं। चाहे हक कोई भी बोले हम उसके साथ हैं, हम उसका कबीला नहीं पूछते, हम सिर्फ हक पूछते हैं, और ये हमारी जिंदा दलील है। आपने हक बोला, हर स्पीकर आपका नाम ले रहा है, क्यों? क्योंकि हम हक के ताबेदार हैं, हम हक के पैरोकार हैं, और यही वजह है, बहुत अच्छी बात की जाफर साहब ने, कि सबसे बड़ा नुकसान, फुकदान और सबसे बड़ा जुल्म अगर हुआ तो यही हुआ कि लोगों ने गदीर को फरामोश कर दिया, पॉलिसी ऑफ इस्लाम को फरामोश कर दिया, लॉ ऑफ इस्लाम को फरामोश कर दिया। जब तक हकीकत इस्लाम लोगों तक नहीं पहुंच सकता, जब तक गदीर का अध्ययन, मुतायला, एसटीडी पढ़ना ले, गदीर को पढ़ लो, इस्लाम सब तक पहुंच जाएगा। लॉ ऑफ इस्लाम गदीर है। बस मैं आपको ये कह के अपनी बात तमाम कर रहा हूं, और तीन तलाक का मसला है, बहरहाल ये तीन का सिलसिला है, इंशाल्लाह इसमें भी हम कामयाब थे, कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम हक के लिए जिए और हक के लिए मरें। लेव लाइक अली, देव लाइक हुसैन। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम।